Hello dear friends, as you all know, we are discussing our video series for class 10th level. So in this video, I am going to tell you about mutation overview. So in class 10th level, there is only overview of mutation. So I am going to tell you only that. So mutation, in one line you can say here, this is a sudden genetic change. This is a sudden, you can write here, this is a sudden genetic change at nucleotide level. और nucleotides क्या होते हैं आपके mind में question आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि nucleotides are the basic repeating units of DNA. जो DNA है वो repeating units of nucleotides से बना हुआ है. हम लोग एक separate video बनाएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ DNA को ही discuss करेंगे. अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज म्यूटेशन. सो म्यूटेशन इट इज अ सडन जेनेटिक चेंज. एक बात मैं और यहाँ पे बता दूं, या तो यहाँ पे म्यूटेशन जो होगा वो जीन म्यूटेशन होगा या तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होगा. इट इज अ परमानेंट चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट मे कंसिस्ट ऑफ अल्टरेशन टू द नंबर और अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम. या तो क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा. ओके okay? या फिर क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है, जैसे इन्वर्जन हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, तो वहां पे जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है. मींस चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम और चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यू कैन से लाइक दिस. एंड चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ डीएनए जनरली अफेक्टिंग वन और फ्यू बेसिस इन अ पर्टिकुलर जीन. अगर एक पर्टिकुलर जीन में, जैसे सपोज ये जीन की सीक्वेंस है ए टी सी जी, आपको पता है जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, इनकी पर्टिकुलर एक प्यूरिन की एक पायरिमिडीन के साथ बेस पेयरिंग होगी. सपोज मैं यहाँ पे फिर से नीट एंड क्लीन बना देती हूँ, ए टी सी जी ए जी जी सी ए. ओके, तो इसकी जो बॉन्ड पेयरिंग होगी वो किसके साथ होगी? एडेनिन हमेशा थाइमिन से बॉन्ड बनाएगा और थाइमिन हमेशा एडेनिन से. साइटोसिन बनाएगा गुआनिन से विद अ ट्रिपल बॉन्ड एंड गुआनिन साइटोसिन. एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, एडेनिन थाइमिन. सपोज यहाँ पे कोई एरर हो गई, अगर आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे गुआनिन को साइटोसिन से बेस पेयरिंग करनी थी और इन मिस्टेक गुआनिन ने क्या करा, साइटोसिन की जगह एडेनिन को ले लिया, तो इसको हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ है. इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है, उसका नाम है पॉइंट म्यूटेशन. म्यूटेशन कैन अकर स्पॉन्टेनियसली बट मैनी आर ड्यू टू एक्सपोजर टू एजेंट. कुछ म्यूटाजेंस होते हैं, बहुत से केमिकल एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशन को कॉज कर सकते हैं. ऐसा होता है कई बार कि हमारी बॉडी में रिकरेंट म्यूटेशन होते रहते, that significantly increase the rate of mutation. These include x-rays and other form of radiation and certain chemicals. And mutation occurring in a body is somatic mutation, means जो हमारे vegetative cells में हो रहा है, जो हमारे somatic cells में हो रहा है mutation, cannot be inherited. आपको पता है हमारे पास दो तरीके के cells हैं, somatic cells और reproductive cells. तो जो cells हमारे somatic cells, जो भी mutation somatic cells में हो रहा है, तो वो हमारी next progeny में cross on नहीं हो पाएगा. जो हमारा रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रहा है म्यूटेशन, वो अगली जनरेशन में जाएगा, क्योंकि ये हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होगा. वेयर एज म्यूटेशन इन अ रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूसिंग ओवा और स्पर्मेटोजोआ, दैट इज जर्म लाइन म्यूटेशन, कैन बी ट्रांसमिटेड टू एन इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग. यहाँ से ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि हमारे पास दो तरीके के सेल हैं, सोमैटिक सेल और वेजिटेटिव सेल, सोमैटिक और वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल. So most mutation either have no discernible effect or have a deleterious effect. कभी कभी बहुत harmful effect भी हो जाते हैं mutation के. However, a tiny minority are beneficial and thus give an individual his or her descendant. Descendant means next generation. And a selective advantage. Sometimes क्या होता है कि mutation ज्यादातर harmful भी होते हैं और sometimes it may be useful. जैसे कि हमारा evolution हो रहा है, हम लोग नई नई species में generate होते जा रहे हैं, evolve होते जा रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं mutation का ही outcome है. Genetic testing of families or groups at high risk for single gene disorder ascertains the presence or absence of mutation responsible for these disorders. And last point is mutation in gene
generally occur randomly. Ye randomly hoga and are happening all the time. There is a chance that some of these mutations in DNA will cause production of damaged protein, so create problem. Other mutation may have little effect, while some may be of potential benefit to the. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सम म्यूटेशंस आर हार्मफुल एंड सम आर यूजफुल. तो फ्रेंड्स मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे ये बताना चाहूंगी, जो क्लास 10th लेवल पे हम लोग जितनी भी बायो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन का आपको आउटकम पता होना चाहिए और म्यूटेशन का प्रॉपर एक डेफिनेशन आनी चाहिए. एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला. सिंगल वन मार्क्स में डिफाइन द टर्म्स में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि म्यूटेशन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया. क्वेश्चन सिर्फ ऐसा आ सकता है डिफाइन द टर्म म्यूटेशन. तो आप इस पॉइंट को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, दिस इज अ सडन जेनेटिक चेंज एट न्यूक्लियोटाइड लेवल. ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही, और आई होप फ्रेंड्स हम लोग जल्दी मिलेंगे. थैंक यू, बाय, टेक केयर.